हेलो दोस्तों, टेस्ट बिहार का चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ऑरेंज केक बना रही हूँ, तो उसके लिए एक ऑरेंज चाहिए, एक कप मैदा चाहिए, और ये दूध चाहिए। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध होना चाहिए, और बटर चाहिए हाफ कप, थोड़ा सा बेकिंग सोडा चाहिए, बेकिंग पाउडर, और ये पिसी हुई चीनी। सबसे पहले हम लोग केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। पे थोड़ा सा मैदा छिड़क के, इससे केक चिपकेगा नहीं अंदर। इसको साइड में रख देते हैं। अब हम लोग ऑरेंज का थोड़ा सा ऊपर से जेस्ट बना लेते हैं। ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ इसका ग्रेट करना है। देखिए, ये 1 टेबल स्पून के लगभग जेस्ट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो फिर केक कड़वा हो जाएगा। अब हम लोग ये ऑरेंज का जूस निकाल लेते हैं। हम लोग ये ऑरेंज का जूस निकाल लेते हैं। ये आधा कप के लगभग जूस हम लोग को चाहिए। अब हम लोग इसको छान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जूस बन के रेडी है। अब हम लोग मैदा को छान लेते हैं। इसी में हम लोग 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, इसको भी मिला देते हैं। अब हम लोग ये जूस, इसमें चीनी मिला लेते हैं। चीनी घुल जाने तक इसको मिलाएंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग बटर मिला देते हैं। अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा डालते हैं और इसको धीरे धीरे मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, सारा मैदा मैंने मिला दिया है। अब इसमें हम लोग ये ऑरेंज का जेस्ट जो हम लोगों ने बनाया है वो भी मिला देते हैं। थोड़ा सा दूध, देखिए ऐसा कंसिस्टेंसी चाहिए। 1/2 कप दूध हम लोग को लगा इसमें। मैंने ओवन को प्री हीट पे रख दिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसको 30 मिनट तक बेक करना है। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, 45 मिनट तक कढ़ाई में बेक, चूल्हा पे चढ़ा के। अब हम लोग इसको केक टिन में डाल लेते हैं। थोड़ा सा टैप कर देते हैं। और इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा केक बन के तैयार है। अब हम लोग इसको डीमोल्ड करते हैं। दोस्तों, ये बनाने में बहुत ही आसान
और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार इसको जरूर बनाइएगा। देखिए कितना अच्छा बना है। अब मैं इसको थोड़ा कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है। आप इसको टी टाइम में भी खा सकते हैं स्नैक्स के जैसे। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।